तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड हम लोग ने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड एरिया। कौन सा चैप्टर? फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें हम लोग ने फोर्स एंड प्रेशर के बेसिक फॉर्मूले और उसकी एप्लीकेशन देखी थी, उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा था हम लोगों ने। ठीक है ना, फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें फोर्स का फॉर्मूला अगर याद हो तो बताओ जरा फटाफट। फोर्स इज इक्वल टू, बोलो, एम इन टू ए। ठीक है ना, और फिर बाद में प्रेशर का फॉर्मूला एफ अपॉन ए। ठीक है ना, एम ए मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि फोर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि किसी मास यानी किसी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, ताकत लगा के एक फोर्स लगा के एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसकी जो यूनिट थी वो हमारी साइंटिस्ट के नेम पे न्यूटन बोलते थे। तो बेसिक इसकी यूनिट मास है तो किलोग्राम, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद पढ़ा उन्होंने प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, अगर हम सॉलिड की बात करें और अगर हम लिक्विड की बात करें तो रो जी एच। ठीक है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फोर्स अपॉन एरिया में हम लोग ने यह पढ़ा था कि कोई बॉडी में एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेशर। ठीक है, मतलब कि न्यूटन फोर्स के लिए क्या होगा, न्यूटन एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और इसी को यार शॉर्ट में नाम क्या देते हैं, पास्कल नाम दे दिया गया साइंटिस्ट के नाम से। ठीक है, पास्कल दे, आसान हो गया, चलो ठीक है। हाँ अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा था, बोलो जरा, क्या कॉन्सेप्ट समझा था हमने कि प्रेशर और फोर्स में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर और एरिया में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये हो रहा है, यानी कि प्रेशर और फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन में बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, जितना न्यूटन वैसे फोर्स लगाया मैंने, उतना ही आपको हाई एंड में प्रेशर फील होगा। जैसे पाँव में हाथ है मेरा, ठीक है, मैं इसे लगा, यू नो, एक 10 न्यूटन लगा, कितना लगा 10 न्यूटन, सो मेरे जो हैंड में इस पार्ट में एक प्रेशर फील होगा। ठीक है, तो यानी जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा मुझे प्रेशर फील होगा। लेकिन ठीक उसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि एरिया में तो इनवर्स है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरिया कम कर दें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे सर? देखो देखो, फोर्स मैंने कांस्टेंट रखा, फोर्स मैं 10 न्यूटन दे रहा हूँ, 10 न्यूटन मैंने फोर्स दिया अपने हाथ में, मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, मुझे एक प्रेशर फील हो रहा है, एक प्रेशर फील हो रहा है। अब मैंने क्या किया, पेन को मैंने घुमा दिया, अब मैंने उतना ही फोर्स दिया, अभी मैंने उतना ही फोर्स दिया, 10 न्यूटन ही फोर्स दिया, मैं पेन को है ना उतने ही फोर्स अपने हाथ की तरफ दबा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है। ये बात सच है कि नहीं सच है? ये बात सच है कि अगर आप पॉइंट वाले एरिया से अगर अपने हाथ को उतना ही फोर्स लगाओगे तो आपको प्रेशर चुभन होगी, प्रेशर फील होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपकी बार एरिया हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो प्रेशर तुम्हें क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया देखो ना, ये एरिया जो है ना, ये एरिया पहले ज्यादा था और ये वाला एरिया कम है। तो बहुत जगह एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर नाइफ को हम लोग शार्प क्यों करते हैं, नाइफ की एज को शार्प क्यों करते हैं, जिससे कि एरिया कम हो जाए, प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो बस ऐसे नी जो होता है, नेल होता है, कील होती है, कील नेल आगे आगे पॉइंटिंग क्यों क्यों होती है, पॉइंटेड वहां पे एरिया कम होता है, और जब बस फोर्स हम लगाएंगे तो प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा और कील अंदर चली जाएगी यहाँ पे। तो ये एक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एक सॉलिड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, सॉलिड बॉडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो चैप्टर है 9th में प्रेशर इन फ्लूड, फ्लूड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि प्रेशर का क्या बिहेवियर है। तो हमने ये देखा प्रेशर इज इक्वल थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, ये हम लोग देख चुके थे और इसके ऐसा यूनिट भी हम लोग ने देख लिया था। ये आप बेसिक वाली चीज आप कर लेना, क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया और क्लास 8 का फोर्स वाला चैप्टर आप है ना देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। तो इसे यहाँ पे दो बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये दो बॉक्स हैं, इसका एक पर्टिकुलर वजन होगा, फोर्स मतलब एम इन टू जी, यानी इसका भी एम इन टू जी होगा, इसमें भी एम इन टू जी होगा, मास है और ग्रेविटी है। तुमने एक बुक को ऐसे रखा हुआ है, खड़ी करके रखा हुआ, और एक बुक को इस तरह लिटा के रखा हुआ है, तो बताओ कहाँ पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे बुक क्या है,
थर्ड ए, क्यों? क्योंकि जहां पर बेस एरिया टच है टेबल में वो एरिया छोटा है, देखो ये एरिया बड़ा है ना, बुक को मैं ऐसे रख रहा हूँ तो बड़ा सा एरिया टच है टेबल में, अगर मैं ऐसे वर्टिकल रखूँ तो छोटा एरिया टच है टेबल को, तो छोटे एरिया पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एरिया कम, और आप निकालोगे भी अगर प्रेशर का थ्रस्ट अपॉन एरिया, जब इसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक को न्यूमेरिकल दिए हुए, और इसके है ना एप्लीकेशंस भी हैं, रीजनिंग भी आती है एग्जाम में, क्लास एट में भी है, जैसे कि नाइफ वाला हो गया, और आप देखते हो अक्सर है ना हाईवे के नीचे जो प्लर होते हैं ना, थोड़ा सा बेस एरिया इस तरीके से होता है, देखो हाँ, ये जो प्लर होते हैं ना, प्लर हाईवे हाईवे के, यहाँ पर बेस एरिया थोड़ा बड़ा रहता है, जिससे कि यहाँ पर एरिया बड़ा कर दे तो प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो प्रेशर कम हो जाएगा तो कोलैप्स नहीं होगा जमीन, ये नहीं कोलैप्स नहीं होगी जमीन पे प्रेशर। इसी तरह ट्रैक में भी होता है, रेलवे ट्रैक में भी बेस ब्लॉक्स बने रहते हैं, ब्लॉक्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग आती है, क्लास एट में भी काफी किया हुआ है, तो बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्लास नाइन के हिसाब से ये स्टार्ट हो गया, प्रेशर इन फ्लूड, ठीक है ना, प्रेशर इन फ्लूड। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा, नहीं ना। सो ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड, जो फ्लो कर सकते हैं, फ्लूड है, लिक्विड, गैस, गैस भी। सो ए सॉलिड एग्जर्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, जैसे कि कोई सॉलिड है, ये एक टेबल पे प्रेशर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि इस पर एक वेट है, ठीक है ना। ए सॉलिड इट इज बॉटम, बट इन फ्लूड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू फ्लो। मतलब कि अगर तुमने कोई एक ग्लास में कुछ सॉलिड चीज डाली तो वो तो ग्लास के बॉटम में प्रेशर दे रहा है, सॉलिड चीज क्या, अगर एम इन टू जी ग्रेविटी की वजह से बॉटम में, ठीक है। लेकिन अगर उसी ग्लास में अगर तुम लिक्विड डाल दोगे, उसी ग्लास में अगर तुम क्या डाल दोगे, लिक्विड, तो चारों तरफ प्रेशर आएगा। जैसे ग्लास मैंने बनाया, चलो मेरी गैप में, ठीक, और इस पर लिक्विड फ्लूड्स मैंने डाला हुआ है, तो होता क्या है, एक तो यहां तो प्रेशर बॉटम में तो पड़ ही रहा है, साथ में इधर भी इसके वॉल्स में भी, ऑल डायरेक्शन पे, जहां जहां वॉल्स हैं चारों तरफ है, अपर नहीं है, अपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद डाउनवर्ड की तरफ दे रहा है, इसको तभी तो पानी, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से तो हो रहा है, तो ग्रेविटी तो नीचे हो रहा है, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या फ्लो होने की, चारों तरफ भागने की, लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, चारों तरफ भागने की, तो ये इसके वॉल्स में भी दे, यानी कि अगर तुम यहां से अगर छोटा मोटा लीकेज हुआ ना, पानी इसे फौरन बाहर निकलने लगेगा, तो इसे पता चलता है कि चारों तरफ है ना प्रेशर आ रहा है, ओके। तो अब लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन सकता है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, व्हाट इज एच, एच इज योर हाइट, किसकी हाइट, फ्लूड्स की, फ्लूड्स की, फ्लूड जितना बड़ा उसकी हाइट, नॉट कंटेनर, फ्लूड्स की है ना, फिल्ड फ्लूड्स, फिल्ड फ्लूड, आवाज लगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड दिस इज योर ग्रेविटी, ठीक। तो क्या ये बात सच है कि तीनों फैक्टर मिलके प्रेशर दे रहे हैं, तो खतरनाक बात है, तीनों मिलके दे रहे हैं, हाँ, यानी कि जितना ज्यादा तुम कंटेनर भर दोगे, जितना ज्यादा हाइट हो जाएगी उतना प्रेशर, क्योंकि सब में डायरेक्ट रिलेशन है, ऊपर ही ऊपर है, ठीक है। डेंसिटी, जितना ज्यादा डेंसर है फ्लूड, जितना ज्यादा डेंसर है फ्लूड तो उतना ज्यादा प्रेशर है ना, क्योंकि डेंसिटी, और क्यों डेंसर ज्यादा होने से, क्योंकि मास बढ़ेगा, ग्रेविटी खींचेगी, ठीक है, मास बढ़ेगा, फिर ग्रेविटी तो भाई ये तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, ऑल अप्रॉक्स कांस्टेंट ही समझो, कि ज्यादा हाइट में जाते हैं तो थोड़ा सा वेरी होता है, लेकिन अब फिलहाल कांस्टेंट समझना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें है ना, तीनों मिल के प्रेशर दे रहे, तीनों मिल के प्रेशर दे रहे है ना, तीनों मिल के प्रेशर दे रहे,
तो बस यही बिहेवियर है। अब अगर इसके बेसिक जो न्यूमेरिकल आपके क्लास नाइन्थ में आते हैं, तो बेसिक न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? आपको हाइट दे दिया जाएगा, डेंसिटी दे दिया जाएगा, ग्रेविटी दे दी जाएगी, आपको बोलेगा प्रेशर निकालो, या फिर हो सकता हो तो प्रेशर दे दे, डेंसिटी दे दे, ग्रेविटी दे दे, बोलेगा कि बताओ इतना प्रेशर, 20 पास्कल प्रेशर है, इतनी डेंसिटी, इतनी ग्रेविटी तो पता ही है हमें, तो बताओ हाइट कितना, हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो एच को यहीं रखेंगे, रो जी को इधर आके डिवाइड करा के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, मतलब बेसिक जो न्यूमेरिकल है। तो अगर इसका डेरिवेशन समझ ले क्या, चलो एच रो जी का डेरिवेशन देख लेते हैं। आया वहीं से, कहां से? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, आया वहीं से, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया भी कह लो, थ्रस्ट अपॉन एरिया, चलो इसको डेरिवेशन करेंगे। तो थ्रस्ट बोलो क्या होगा, मास वेट, थ्रस्ट कितनी सारी चीजें आएंगी थ्रस्ट में, वॉल्यूम है, वेट है ना, थ्रस्ट वही हुआ ना, वेट एम इंटू जी, कहीं ना कहीं से कह सकते हो एम इंटू जी, एम इंटू जी अपॉन एरिया, ठीक है, एम थोड़ा साइड में आ जाए, एम को लेके साइड में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल टू, ये डेंसिटी है, यानी कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू बी मतलब क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ये मास की जगह हम ये लिख देंगे पूरी कहानी, क्या डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ये तो मास की जगह लिखा, ग्रेविटी तो हमारा चल ही रहा था, एम इंटू जी मतलब फोर्स, थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स मतलब एम इंटू जी अपॉन एरिया, करेक्ट ना, ये तुम्हारा मास की जगह हमने लिखा, ठीक है। तो मास का तुम बिल्कुल रटा रटाया रख लेना, क्या मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, कई जगह यूज होता है, तो खैर एरिया से एरिया कट गया, तो बचा क्या, डेंसिटी एच जी, यही तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको समझाया था, एच रो जी, यही है ना, एच रो जी, ठीक है। तो डेरिवेशन समझ में आ गए या सर न बोलेंगे? इस तरीके से फॉर्मूला हमारा प्रेशर लिक्विड से आ गया, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल प्रेशर की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा समझना यहां पर, अगर हम बोलेंगे इस बॉटम में कितना प्रेशर लग रहा है, तो इस बॉटम में कितना प्रेशर लग रहा है, बात समझना, एक तो लिक्विड की हाइट की वजह से रो जी एच तो लग ही रहा है ना, मैंने यही तो कहा रो जी एच, ये लिक्विड की हाइट है, ग्रेविटी है, डेंसिटी है, सब मिलके धक्का दे रहे नीचे, ठीक है, ये तो लग ही रहा है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है, ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि यार ये बॉटम में टोटल प्रेशर बताओ, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब पी नॉट और रो जी एच, ये दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई डिफॉल्ट 760 mm मर्क्यूरी का ले सकते हो, ठीक है ना, 760 mm, और बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। तो लॉज ऑफ कि मर्क्यूरी से कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि 176 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 180 76 सेंटीमीटर इज 180 कैसे वो एक्सपेरिमेंट है, आपको तो बता देंगे बाद में, नहीं तो हम आपको बाद में, चलो ठीक है बता देंगे आपको, ठीक। यहाँ पे देखो लॉस भी दिए हैं कि लिक्विड प्रेशर पे थोड़ा लॉस पड़ लिया जाए, क्या देख लेते हैं क्या अजम्पशंस है या लॉस है। इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ फ्रॉम इट्स प्री सरफेस, तो बात सही है, प्रेशर बढ़ेगा जब डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है। इन स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर सेम एट ऑल, हाँ स्टेशनरी अगर पानी बिल्कुल स्टेशनरी रुका हुआ है, लिक्विड ऐसे स्टेबल है, तो चारों तरफ प्रेशर क्या होगा, सेम होगा इन ऑल पॉइंट, हाँ और क्या, पानी इधर की तरफ फोर्स है, बह रहा है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर पॉइंट में हॉरिजॉन्टल हर पॉइंट में सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल हर पॉइंट सेम मतलब क्या है ना, हॉरिजॉन्टल हर पॉइंट मतलब अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो भी सेम रहेगा, यहाँ पे चेक करो तो भी सेम रहेगा, यहाँ पे चेक करो, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेक करोगे तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। समझो यहाँ पे है 10 पास्कल, ठीक है, हाँ इस पूरी लाइन में 10 पास्कल, यहाँ पर 10 पास्कल,
ठीक है 15 पास्कल क्यों बढ़ा लिया थोड़ा, क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि हाइट कम नहीं हुई, ये वाला मत ले लेना, ये वाला लेना, ये हाइट बढ़ गई ना, पहले हाइट इतनी था इतनी हाइट हो गई, तो डेफिनेटली इस वाली लाइन में, लेकिन यहाँ पे तीनों जगह सेम ही रहेगा, तीनों जगह दसवीं जगह जो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम रहेगा, तो यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ भी 15 पास्कल, यहाँ भी 15 पास्कल, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 पास्कल, यहाँ भी 10 पास्कल, यहाँ भी 10 पास्कल, ठीक है, तो ये तरीके से आप कर सकते हैं। और क्या लॉज है, प्रेशर एट सेम डेप्थ इन डिफरेंट लिक्विड, ठीक है ना, अगर सेम डेप्थ है लेकिन लिक्विड अलग अलग है तो प्रेशर अलग फर्क पड़ेगा, लिक्विड अलग अलग है ना, डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी तो बहुत बड़ा फैक्टर दे ही रही ना, तो डेंसिटी अलग अलग रहेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी अगर इधर लिक्विड अलग इधर अलग है तो प्रेशर अलग अलग रहेगा। खैर पूरा फॉर्मूला तुम्हें खुद ही सारी चीजें समझा रहा है, डेप्थ या हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर बड़े घटेगा, हाइट घटाओ बढ़ाओगे प्रेशर, डेंसिटी बढ़ाओगे घटाओगे तो प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, तो ग्रेविटी तो एक कॉन्स्टेंट हुई है, ठीक है, तो फॉर्मूला खुद ही सारी चीजें बता रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो रीजनिंग है, जैसे कि सम कॉन्सिक्वेंसेस दिए ना, यहाँ से रीजनिंग आती है, क्या रीजनिंग आती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रेशर एट ए सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन द सेम डेप्थ इन ए रिवर, अगर सेम जैसे 20 मीटर नीचे हम रिवर में गए, 20 मीटर नीचे हम लोग सी में गए, तो सी में हमें ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा, सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा, इसीलिए सी वाटर में आप तैरना थोड़ा आसान होता है, रिवर में बहुत मुश्किल होता है, फ्लोट हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम, क्यों भाई थिकर एट द बॉटम, पता है नीचे नीचे है ना प्रेशर बहुत ज्यादा रहने वाला है, डैम के नीचे जो पिलर बनते हैं उसका देख लो, जैसे ये पानी को रोका हुआ है, ऊपर रोका है तो इसका देखो कैसे बनाया है स्ट्रक्चर, पानी इधर से आ रहा है, रिवर का पानी इधर से आ रहा है, हमने रोका, रोकने के लिए कैसे बनाया स्ट्रक्चर, देखो एक ऐसी सीधी सीधी दीवार नहीं बनाई है, दीवार हमने ऐसे करके बनाई है, मतलब यहाँ यहाँ पर दीवार की थिकनेस देखो ज्यादा है, क्यों थिकनेस है, क्योंकि जितना जितना नीचे पानी है यहाँ पे प्रेशर उतना ज्यादा वो देगा, इसीलिए यहाँ पे थिकनेस ज्यादा करना जरूरी था, क्योंकि ना हॉरिजॉन्टल, हाँ यहाँ पर देखो पानी रोकने के लिए हमने एक दीवार बनाई, लेकिन दीवार कैसे बनाई है, दीवार हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे करके दीवार बना रहे हैं, क्यों, पानी यहाँ से आ रहा है ना, इस तरह आ रहा है पानी, पानी को रोका हमने, तो यहाँ पर पानी का डेप्थ ज्यादा है ना, नीचे डेप्थ ज्यादा होना मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा वो चाहिए आपको, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए रोकने के लिए, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो ये सब रीजनिंग में आता है, तो रीजनिंग देखो रीजनिंग पता है आपको कैसे डील करना होता है, 9th और 10th के खासकर फिजिक्स में सबसे आसान होता है, तो मैंने आप यदि यही बोला है कि वॉल ऑफ डैम वाई द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम, ऐसे क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, ये बता रहा हूँ एग्जाम देने का तरीका, रीजनिंग देने का तरीका, फॉर्मूला लगा दिया, हाँ सर लगा दिया, फिर बात क्या थी, थिकर यानी कि डेप्थ वाली बात थी ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर डेप्थ ज्यादा तो यहाँ पर दीवार की चौड़ाई ज्यादा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइट एंड द प्रेशर, हाइट ज्यादा यानी डेप्थ ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए डैम की वॉल को इस तरीके से बनाया जाता है, सबसे आसान तरीका, सबसे पहले फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूले का जिससे पूछा गया जिस कॉन्सेप्ट से, अगर डेंसिटी से पूछा होता तो आप ये बताते, डेंसिटी प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, और फिर उसके रीजनिंग का जो क्वेश्चन में दिया उसी का सो दैट करके आपको आंसर बता सकते हैं, वॉल्यूम से क्यों, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तुम्हें तो तब तुम्हें मास है ना कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मास क्या है कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसी मास उसी वजन के, जैसे कि तुमने एक बोतल में पानी लिया छोटी बोतल में, उतना ही पानी बड़ी बोतल में, यहां पर क्या हो गया, चलो इसका भी हम बता रहे थे, थोड़ा सही से समझाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, देखो इस तरह समझा सकता हूँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, चलो ठीक है ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यही ना फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला, अक्सर हमें बोला जाता है कि जो नेल होती है कील, लोहे की कील तो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा शिप पानी में नहीं डूबता है, नेल क्या होती है, सिंक हो जाती है, लेकिन शिप शिंक नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है, जबकि हजारों लाखों नेल लगी होंगी शिप को बनाने की, है ना, वही सारी नेल, वही सेम मटेरियल की नेल। जैसे अगर ये आयरन की है, आयरन की ही बहुत सारी चीजें शिप में लगी हो, सेम डेंसिटी। इसमें मास कम है तो प्रेशर कम पड़ेगा वाटर में? नहीं, किसमें मास कम है? सर नेल में, यहां पे तो नेल में मास कम है तो फिर आराम से ऊपर तैरना चाहिए ना, फिर तो मास कम है। ऐसे तो होता है, करके देख लेना, मेरी बात तो यकीन नहीं है, है ना, एक कील लेना पानी बाल्टी में डालना डूब जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो कोई भी चीज पानी में फ्लोट क्यों करती है, पहले समझो फ्लोट ही क्यों करती है, वाई फ्लोट, पहले तो ये फ्लोट ही क्यों करती है, ठीक है ना, फ्लोट ही क्यों करती है, जब कोई भी चीज फ्लोट करती है कब, जब वाटर का, वाटर है ना, वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो फ्लोटिंग बॉडी से, फ्लोटिंग बॉडी से ज्यादा, बस याद रखना है, बस यही सारा खेल है, यहीं पर। हाँ, कोई भी लिक्विड, अक्सर हम शिप की बात कर रहे हैं तो पानी की बात करेंगे, तेल का तो समुद्र है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो फिलहाल हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी लिक्विड, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी उस फ्लोटिंग बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है, अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो फ्लोट करेगा, वाटर पर ताकत ज्यादा है रोकने की, वाटर पर डेंसिटी ज्यादा है रोकने की, वो फ्लोट करेगा। अब सवाल है कि सर आयरन की तो डेंसिटी ठीक है, एक पर्टिकुलर डेंसिटी होती है, क्या सर आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है कि आयरन का शेप पानी में फ्लोट कर रहा है? बात समझो, क्या आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है क्या? नहीं, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, आयरन की डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से। तो सर क्यों आयरन का शेप, बहुत सारा आयरन लगा रहता है शेप में, तो सर क्यों आयरन के शिप फ्लोट कर रहे हैं, जबकि आपने कहा कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होना मतलब फ्लोट होना, क्यों? तो अब होता है क्या, बस यही फॉर्मूले में आ जाओ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, शिप तो आयरन का है बाय डिफॉल्ट, तो अगर तुम आयरन का इतना वॉल्यूम और वाटर का इतना ही वॉल्यूम ले, जैसे कि एक छोटे से ब्लॉक, एक छोटे से ग्लास में उतना आयरन डालो उतना ही पानी डालो, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा? डेफिनेटली इसका डेंसिटी ज्यादा, इसका मास भी ज्यादा, आयरन का, आयरन की डेंसिटी भी ज्यादा। अब देख रहा हूं, हम मैं कर क्या रहा हूं, बात समझना, डेंसिटी आयरन की ही ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, मान रहे हैं डेंसिटी आयरन की ही ज्यादा है, लेकिन हम कैसे आयरन की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी कम कैसे करेंगे, देखना हमने क्या किया मालूम है, हमने आयरन के शिप को वॉल्यूम को बहुत बढ़ा दिया, हमने आयरन के जो आयरन का शिप था, जैसे बहुत सारा आयरन लगा हुआ था, बहुत ज्यादा लोहा लगा हुआ था, है ना, बहुत सारे नेल्स होंगे, कई जगह टिन यूज की होगी, पतरे यूज किए गए होंगे, उसको वो था आयरन, लेकिन डेंसिटी ज्यादा है, तो हमने लेकिन क्या किया, उसके वॉल्यूम में क्या कर दिया, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अरे इतना पहले फैला नहीं दिया प्यारा नुमा, शिप को ऐसे फैला के नहीं बनाया है, वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहे हैं? हाँ, अगर वही शिप को पूरा फिल कर दो लोहे से, सोचो जरा, फौरन डूबेगा ना डूबेगा, क्यों? क्योंकि मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा वहां पर डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी और मास में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमें वो रखना है, एक ना बैलेंस रखना है कि यार वॉल्यूम तो बढ़े बढ़े लेकिन मास ना बढ़ने पाए, मास थोड़ा यार सही रहे, ठीक है। अगर पूरे शिप में पानी भर दो तो डूबेगा डूबेगा, डूबेगा ना शिप में पानी, क्योंकि मास बढ़ जाएगा। तो मास को हम लोग कॉन्स्टेंट रख के, मास को कॉन्स्टेंट रख के वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम लोग शिप को क्या करेंगे, अब वही वजन का शिप इतना साइज में बन सकता है, वही वजन के शिप को अगर हम फैला दे तो इतने साइज में भी बन सकता है, दोनों का वजन सेम है, दोनों का मास सेम है, एक टुकड़ा है लोहे का समझो, एक बॉल है लोहे की बॉल, इतनी छोटी सी, उसको पीट पीट के हमने इतना फैला दिया, वजन उतना ही, वजन कम नहीं हुआ, हमने उसको पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा पीटा, और पीट पीट करके पीट पीट हमने उसका वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वजन उतना ही है, मास कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वो तैरने लगेगा पानी में, क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसकी डेंसिटी कंपेयर टू वॉटर कम कर दी। मतलब कि अगर उतने ही बड़े उसमें तुमने क्या लिया, पानी लिया, और उतने ही बड़े उसमें तुमने अगर आयरन लिया, अब आयरन तो पूरा पूरा सॉलिड तो है नहीं शिप में, आयरन पूरा भरा तो नहीं ना शिप, अगर ये शिप का पूरा आयरन भरा हुआ है क्या, नहीं, ऐसे है ना, एक ऐसे लेयर टाइप में है ना, ठीक है ना, तो इतना वॉल्यूम हम लोग बढ़ा देते हैं इसको फैला के कि उसकी डेंसिटी कंपेयर टू वाटर कम हो जाती है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन,
मास के ऊपर। इसीलिए अक्सर आप शिप में देखोगे, शिप के साइड में देखो टायर बंधे रहते हैं, टायर बंधे रहते हैं, टायर बंधे रहते हैं ना, लटके रहते हैं। क्यों लटके रहते हैं? या आप देखते ना एयर बैग लेके, एयर टायर लेके ना, जब नहीं बच्चे अच्छे स्विमिंग में थोड़ा एयर बैग ऐसे लटका देते हैं कि डूबे ना, क्यों ना डूबे। तो एयर बैग लटकाने से हम कर क्या रहे? तो एयर बैग है क्या, एयर बैग से मास में कुछ फर्क पड़ रहा है खास? कुछ खास फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, एयर बैग है ना, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। यानी मास तो हमने ना बढ़ा कर भी वॉल्यूम को बढ़ा दिया, हमने एयर बैग से बड़ा सा बॉल, बड़ा सा एक एयर टायर अपने ऊपर लटका लिया, मेरी बॉडी क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब है ना शेप ऐसा थोड़ा बड़ा बड़ा शेप दिखने लगा, तो वॉल्यूम बढ़ा, मास को ज्यादा नहीं बढ़ा है। हाँ, मास इतना ही, क्योंकि एयर बैग है, मास बिल्कुल निकले हाँ निगलेक्ट है, तो वॉल्यूम को बढ़ा के हमने अपनी बॉडी की डेंसिटी क्या कर दी, कम कर दी। तो बॉडी डेंसिटी इतनी कम कर दी, वाटर से कंपेयर से कम कर दी, और हमारी बॉडी फ्लोट होने लगी। तो ये रीजन जैसा मैंने क्लास, कम से कम क्लास 8 वाले बच्चों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ये नेल होती है, कील होती है लोहे की, वो डूब जा रही है, वही लोहे का शिप है वो नहीं डूब रहा है, तो उसका वजह है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम उसका इतना हम बढ़ा देते हैं कि वो झेल ले जाते हैं, वाटर है ना, उसको वाटर डेंसिटी बढ़ी, मतलब वाटर की डेंसिटी कंपेयर में इसकी डेंसिटी कम हो जाती है शिप, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ा के उसका हमने ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम लोग है ना वॉल्यूम को बढ़ा दें, मास से ज़्यादा छेड़खानी ना करें, अब तुम अब लोहे के टायर क्यों नहीं लगे रहते हैं? लोहे के टायर अगर शिप में लटका दिए साइड में, मास भी बढ़ जाएगा, मास भी बढ़े, मान रहे तुम वॉल्यूम तो बढ़ा रहे हो, तुम दिमाग तो लगा रहे हो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, लेकिन आधा दिमाग लगा रहे हो। तुमने कहा कि वॉल्यूम तो बढ़ा दिया, लेकिन लोहे के टायर की वजह से मास भी बढ़ गया, मास बढ़ गया वापस डेंसिटी बढ़ गई, घूम फिर के बाद वही आ जाएगी। तो ये ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज़ बॉडी में, कोई भी पानी में या लिक्विड में फ्लोट हो रहा है, तो फ्लो अक्सर देखो ऑयल होता है ना, ऑयल है ना वाटर में फ्लोट होता है, वाटर नीचे रहता है ऑयल ऊपर रहता है, क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर उतने ही बर्तन में ऑयल भरो, उतने ही बर्तन में तो पानी भरो, पर पानी का वजन ज़्यादा हो, पानी का वजन ज़्यादा होना मतलब ये पानी में तैर जाए। सबसे आसान तरीका मालूम है क्या, कि यार पानी में तैरेगा नहीं, सबसे आसान तरीका एक गिलास लो वही साइज का, उसी गिलास में भर के ऑयल ले लो, उसी गिलास में भर के पानी ले लो, दोनों का वजन भर लो, पानी का वजन ज्यादा वाला पानी की डेंसिटी ज्यादा, खत्म हो गई बात, वो तैरे साफ सुथरी बात। उतने ही गिलास में तुमने पानी भरा, उसी गिलास में तुमने क्या भरा, ऑयल भरा, पानी का वजन ज्यादा आ रहा है, क्यों ज्यादा आ रहा है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, पक्की बात है डेंसिटी ज्यादा होगी तभी मास ज्यादा आ रहा है, भले पानी की डेंसिटी ज्यादा होना ऑयल फ्लोट कर। So this is the way you have to study physics. वॉल्यूम मतलब एक एयर में कवर करना, जगह कवर होना, उसे बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे पेन ये एक एरिया कवर कर रही है ना, ये वॉल्यूम है। आप बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है, कैप का कि पेन का? पेन का ज्यादा वॉल्यूम है, पेन ज्यादा हवा में एरिया जितना कवर कर रही है चारों तरफ, एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना, वो वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम खोखला हो, हॉलो हो या सॉलिड हो, उससे मतलब नहीं, एरिया कवर करने को, अब वो सॉलिड है वो हॉलो अलग बात होगी, बट एरिया। तो हम कोशिश ये करेंगे हॉलो टाइप का, अगर पानी तैरने वाली बात करेंगे हॉलो टाइप लें, जैसे कि मास ना बढ़ने पाए, अगर उसमें हॉलो टाइप नहीं लिया तो मास पूरा बढ़ जाएगा। इसीलिए हर शिप की लिमिट होती है, कि लोग जा जो पैसेंजर्स की लिमिट होती है, मास इतना ना बढ़ने पाए, वो इतना झेल लें कि पानी की डेंसिटी से ज़्यादा ना होने पाए शिप की डेंसिटी, कितना ज्यादा लोग चले गए, ठीक है। तो एक ये होता है, इसीलिए बड़े शिप जब ऐसे तो होता ही है, ऐसा होता है और क्या, और क्या, कोशिश क्या करते हैं मालूम है, शिप में बनाने की कोशिश ये करते हैं कि मटेरियल वो यूज करें मजबूत भी हो, लाइट वेट हो। अक्सर एल्यूमिनियम यूज करते हैं, इसीलिए शिप में भी एल्यूमिनियम यूज करते हैं, शिप का भी यही फंडा है अब थ्रस्ट वाला, ठीक है ना। तो अभी आएगा आगे, अब थ्रस्ट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी आएगा आगे, फिलहाल मैंने एक बेसिक बता दिया है, ठीक है। देखो डाइवर सूट भी स्पेशल बनाया जाता है, भाई हम लोग बात कर रहे थे ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अंदर जब जाएगा, अब वॉल्यूम वाली बात नहीं हो रही, अब वापस आ गया रो जी एच में, ठीक है ना, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो उसको प्रेशर पड़ेगा बॉडी में, प्रेशर बॉडी पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, जितना नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा डाइवर्स
प्रेशर पड़ेगा उसकी बॉडी में पानी का, हाइट बढ़ती जा रही है ना, उसके ऊपर का कॉलम बढ़ता है यार, उसके ऊपर का कॉलम बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए स्पेशल ऐसा सूट बनाते हैं इसे कि वो प्रेशर को झेल ले जाए। ब्लड प्रेशर देखो होता है क्या मालूम है, हमारे बॉडी ब्लड है, ब्लड फ्लो कर ठीक है, बाहर क्यों नहीं आ रहा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोके हुए, एटमॉस्फेरिक पर रोके हुए। अब हम अंदर गए, जब हम अंदर जाएंगे पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो हो सकता है ब्लड का फ्लो रोकने लगे, बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना तो ब्लड फ्लो में दिक्कत नहीं आ जाएगी। देखो प्रेशर कम होना मतलब ब्लड बाहर आ जाए, एक अलग बात। अब जब हम अंदर डीप लेवल पे गए हैं तो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो फ्लो को स्मूथली फ्लो होने से रोकेगा, इसीलिए स्पेशल सूट बनाए जाते हैं कि प्रेशर ज्यादा बॉडी में ना पड़े। अब वो सूट झेल ले जाए, प्रोटेक्टिव सूट बोलते हैं उसे, ठीक है। फ्रॉम ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक और कास्ट एल्युमिनियम द प्रेशर इनसाइड द सूट इज मेंटेन एट 1 atmospheric प्रेशर, ठीक है। साइज ऑफ गैस बबल इन साइड वाटर, अक्सर देखो इट इज नोटिस दैट द गैस बबल फॉर्म एट द बॉटम ऑफ ए लेक राइजेस, इट ग्रोज इन साइज, ऐसा होता है ना। द रीजन इज दैट व्हेन द बबल इज एट द बॉटम इज लेक, टोटल प्रेशर एग्जर्टेड ज्यादा होता है, नीचे प्रेशर जब ऊपर आता है बबल का साइज क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। द गैस बबल राइजेस सी द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, एज द गैस बबल राइजेस ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम डिक्रीज, सो दैट टोटल प्रेशर एक्सेप्ट ऑन द बबल डिक्रीज, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन इट, ठीक है। तो हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है कम होता है। अब ये सिलेंडर में गैस रखी हुई है, उसको और प्रेशर दबाओ तो गैस और कम होगी और सिंक करेगी, तो जितना ज़्यादा डीप लेवल पे है तो बबल जो होता है बबल थोड़ा सिकुड़ा रहता है, क्योंकि उसमें प्रेशर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा लग रहा होता है डीप लेवल पे जाकर, जैसे तो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम हटेगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा उसका गैस का, समझे। तो पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर, पास्कल लॉ बोल रहे हैं हम लोग, देखो पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एग्जर्टेड एनी वेयर इन ए कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड, जैसे पानी ग्लास का भरा हुआ पानी है फिल्ड वाटर है, तो ग्लास के चारों तरफ से मतलब वॉल जहाँ जहाँ वॉल है चारों तरफ प्रेशर सेम उसे पड़ रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी कई हम फॉर्मूले देखेंगे लिक्विड के, तो पहला तो फॉर्मूला ये देखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन का, हाइड्रोलिक मशीन किस तरह काम करती है। यहाँ पर जैसे मैंने प्रेशर दिया, मैंने एक दबाया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होकर ऊपर की तरफ ये पिस्टन ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पिस्टन में डाउन कर रहा हूँ तो ये वाला पिस्टन ऊपर जाएगा ना, वेट एक लेगा, है ना। ये मशीन बहुत यूज होती है ब्रेक मारने के लिए, कार में अक्सर हाइड्रोलिक ब्रेक बनाए जाते हैं, एक ऑयल भरा देते हैं तो ऑयल थोड़ा स्मूथ होता है ट्रैवल करने के, तो हमने जैसे ब्रेक मारा तो एक प्रेशर से समझो यहाँ पर क्या है टायर के पास ब्रेक लगा हुआ है टायर को रोकने के लिए, यहाँ हमारा ब्रेक है टायर के पास, हमने पैर से दबाया तो ऑयल क्या करेगा वापस उसके प्रेशर जनरेट करेगा और ये ब्रेक को ब्रेक मारेगा, हाँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा ये आपका कुछ इस तरीके से है, पास्कल लॉ का। तो अब तक के हम लोगों ने हाइट और डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर का फॉर्मूला को समझा, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट रो जी एच, ये तो हमने समझ लिया था। अब प्रेशर के ही फॉर्मूले को और भी अलग अलग तरीके से समझना है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोलिक मशीन की बात करें, किसकी बात करें हाइड्रोलिक मशीन, तो हाइड्रोलिक मशीन में होता क्या है कि आपके यहाँ पे एक ऐसा पिस्टन होता है और यहाँ पर कुछ एक एप्लीकेशन है या लोड है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रेशर दिया और एक ऑयल पड़ा होता है पूरे मैकेनिज्म में, तो जितना हम यहाँ प्रेशर देंगे एक पर्टिकुलर एरिया होगा और इस पर एक फोर्स दे रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और इस पर फोर्स दे रहे हैं, तो यहां पर हमने जितना प्रेशर दिया इतना ही प्रेशर यहां पर एग्जर्ट या आउटपुट के रूप में आ जाएगा, जो भी है हमें इसे कार उठानी है ऊपर या ब्रेक मारना है गाड़ी में, तो यहां हमने प्रेशर दिया यहां पर प्रेशर आया, कुल मिला के यहां पर हम जितना प्रेशर दे रहे हैं यहां अदर साइड आउटपुट में भी उतना ही प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो वही बात करेंगे कि P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P2, समझिए ना, एक तरफ हमने प्रेशर दिया दूसरी तरफ प्रेशर हमें आउटपुट मिला, ठीक है ना, ये कैसे।
तो पी वन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? देखो यहां पर आप किस तरीके का प्रेशर लगा, यहां पर लिक्विड के हाइट ऑफ के डेंसिटी की वजह से नहीं लगा, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। इसमें क्या था, इसमें तो पानी ग्लास भरा हुआ है, लिक्विड का ग्लास या फ्लूइड का ग्लास भरा हुआ है, वो अपने डेंसिटी अपने हाइट की वजह से नीचे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था, है ना। इस तरह अगर कोई लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर में, तो यहाँ पर कोई एक सामान रखा हुआ है हमारा बेस में, तो अपने हाइट या अपने डेंसिटी की वजह से प्रेशर एक मिल रहा था हमें, ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन में, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो यहां पर मालूम कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो सबसे पहले देखा था, कौन सा, फोर्स अपॉन एरिया यानी एफ वन अपॉन ए वन, पी वन है ना, एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू यहाँ पे एफ टू अपॉन ए टू। हाँ ये चीज, यहाँ पे कुछ एरिया होगा कुछ फोर्स होगा, यहाँ पे कुछ एरिया कुछ फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समझो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर इतना छोटा सा है, पिस्टन छोटा सा है, यहाँ पे लोड के लिए इतना बड़ा एरिया, ठीक है, मैंने एक पंप लगाया ऑयल का, यहां से हमने प्रेशर एग्जर्ट किया, फोर्स हमने एग्जर्ट किया, फोर्स लगाया, तो यहां पे फोर्स लगाएंगे F1 A1, ठीक है ना, तो क्या यहां पर भी उतने ही फोर्स मिलेगा क्या हमें? प्रेशर तो ठीक है सेम मिलेगा, ओके ऑयल है ना, ऑयल उतना ही आपको प्रेशर देगा, ठीक है, P1 और ये तो हो जाएगा, यहां पे F2 A2, अब A तो बढ़ गया यानी F2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल से लॉजिक है, यहां पे फोर्स कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहां पे एरिया बड़ा लेके रखा हुआ है ना, एरिया बड़ा होना मतलब प्रेशर कम होना, लेकिन फोर्स का भी तो है ना यहाँ पे फैक्टर, ठीक है, प्रेशर तो वही रहने वाला है। अब क्या करें सर, एरिया बढ़ गया, अब क्या करें, एरिया बढ़ गया क्या प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं फोर्स बढ़ जाएगा, क्यों कम क्यों, प्रेशर तो सेम है, अगर समझो यहां पर 10 इंटू 5 है, यहां पे एरिया हो गया 25, फोर्स कितना हो जाएगा, यहां एरिया 5 था, 410 था, 10 इंटू 5 50, तो लेकिन क्या है, हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, हम तो डिवाइड करेंगे है ना, तो 10 डिवाइड बाय 5 तो आ गया 2, प्रेशर 2 यहां पर भी आना चाहिए, अब एरिया तो यहां पे हो गया 25, यहां पे एरिया क्या हो गया 25, तो फोर्स कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तभी तो 2 आ पाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, समझिए ना, कैलकुलेशन यही तो बता रहा है, देख लो ना, यहाँ पे 10 था 5 एरिया, यहाँ पे एरिया 25 कर दिया हमने, एरिया बढ़ा दिया, फोर्स भी बढ़ जाएगा, प्रेशर को वो करने के लिए, मैं ये मैनेज करने, बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, ओके, तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं F2 अपॉन F1 अपॉन F2, F2 नीचे A1 इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू, नहीं ए टू अपॉन एफ टू नीचे आए ए वन ऊपर, ठीक है ना, सही है, ठीक है, एफ वन अपॉन, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू यानी एफ वन और ए वन का डायरेक्ट रिलेशन, और एफ वन और ए टू का इनवर्स रिलेशन, एफ टू और ए वन का इनवर्स रिलेशन है कि नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा, इसी तरह देखो यहां पर हाइड्रोलिक जैक भी काम करता है, हाइड्रोलिक जैक देखो, अगर इसे कार को या कुछ लोड को उठाना है हमें, तो हमने क्या किया, यहां पे कार खड़ी की, यहां से हमने एक लीवर यानी पिस्टन है, तो यहां पर हमने क्या दिया, एक फोर्स दिया, तो ये फोर्स आगे जाके जनरेट होगा, ठीक है ना, फोर्स लगाया हमने एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज प्रेशर, एक प्रेशर दिया तो यहाँ पे कार लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, इसी तरह हाइड्रोलिक ब्रेक का भी यही काम है, तो यहां से हमने ब्रेक लगाया, ठीक है, इस तरीके से ऑयल के थ्रू ब्रेक आया और ये फैलेगा, जनरेट होगा ना, ये फैलेगा, तो ये जो दिख रहा है शू, ब्रेक शू, ये जाके टायर जो व्हील है व्हील में प्रेशर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके फैलने लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से काम होता है हाइड्रोलिक, तो ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, मेनली न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको चैप्टर ये डील होगा।
ओके ए बॉय वेइंग 60 किलोग्राम इज वेयरिंग शू विद हील ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बॉय का वेट, यानी कि वेट का मतलब ही क्या हुआ, फोर्स है। वेट मतलब एम इंटू जी, फोर्स मतलब भी एम इंटू जी, तो तुम्हें कुल मिला के फोर्स दिया हुआ है। और उसने हाई हील ये पहना हुआ, शू पहना हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं लिखता जाता हूँ, देखो तुम्हें फोर्स कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन, और एरिया जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, इसको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4 है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होंगे, 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 1 सेंटीमीटर में तो 10 की पावर माइनस 2 होता है 1/100 मीटर, लेकिन जब स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो गया। व्हाइल गर्ल वेइंग 40, अब एक और इन्फॉर्मेशन दी है साइड में, गर्ल के बारे में बताया, गर्ल का लिखा हुआ है गर्ल वेइंग 45 केजी विद वेयरिंग सैंडल हील एरिया क्रॉस सेक्शन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गर्ल के लिए यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, जो गर्ल पहने हुए है सैंडल उससे फोर्स हो रहा है 45 न्यूटन, एंड जो एरिया है उसका हील का 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, ठीक है ना। अब क्या सर, इसमें तो एक शू का कांटेक्ट एरिया दिया है, दोनों पैर रहेंगे ना, तो मल्टीप्लाई नहीं नहीं वो वैसे नहीं करते। कंपेयर द प्रेशर एग्जर्टेड ग्राउंड बाय देयर हील व्हेन दे स्टैंड ऑन द हील 1 फुट, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब रेशियो निकालना है, तो इसका निकाल लो आप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया 60/20, यह आ जाएगा तुम्हारा कितना 20 × 10⁻⁴, पूरा करो ना, है ना। तो 3/10⁻⁴, ये माइनस 4 10 के ऊपर माइनस 4 ऊपर जाएगा, तो पावर हो जाएगा 3 × 10⁻⁴। एक तो ये आ गया बॉय का प्रेशर 3 × 10⁴ आ गया। गर्ल का देख लो, यहाँ पर सेम प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है गर्ल के लिए 45 और ये है 1.5 × 10⁻⁴, तो डेसिमल हटा के 0 बनाएंगे, 15 15 3 30, तो 30 × 10⁻⁴ न्यूमरेटर में जाएगा, तो पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगी पावर 30 × 10⁻⁴, ठीक है। तो 3, अब इनको रेशियो करना है, तो P1/P2 मतलब बॉय अपॉन गर्ल कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बॉय अपॉन गर्ल, तो बॉय को ऊपर लिख दो 3 × 10⁴, गर्ल का नीचे लिख देंगे 30 × 10⁴, से करेंगे 3 × 1 = 3 × 10, तो 1:10। तो अगर 10:1 भी दिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर 10:1 दिया मतलब गर्ल टू बॉय दिया होगा, 10:1 मतलब गर्ल टू बॉय दिया होगा, 1:10 मतलब बॉय पहले बाद में, ये लिखा ये दिखा दिया, मतलब 1:10 मतलब पहले वाला बॉय बाद वाला गर्ल, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इजी न्यूमेरिकल था ये, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, हो गया ठीक है, समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम हाइट 100 मीटर। वाटर कॉलम, कॉलम डेप्थ हाइट की बात आ रही है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे, वाटर खुद अपने हाइट और अपने डेंसिटी की वजह से काफी प्रेशर जनरेट कर रहा है, फ्लूड अपने हाइट और अपनी डेंसिटी की वजह से प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो वाटर का जो हाइट दिया है, कॉलम की हाइट मतलब समझ जैसे टैंक, ठीक है, इसमें है ना वाटर यहां तक के फिल है, ये दिया हुआ है हाइट 100 मीटर, बड़ा टैंक है 100 मीटर है, और ये हो गया हाइट, और जो ग्रेविटी दिया है वाई डिफॉल्ट 10 ले लेना है, हाँ 10 m/s², नहीं तो 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन 10 दिया हुआ, ठीक है। और डेंसिटी जो है, डेंसिटी दी हुई है 1000, वाटर अगर है तो 1000 बाई डिफॉल्ट तुम ले सकते हो किलोग्राम मीटर क्यूब,
वाटर का बाय डिफॉल्ट 1000 तुम ले सकते हो एसआई में और 1 लेते हो सीजीएस। तो चलो प्रेशर निकालना है, मतलब क्या है बताओ इसमें, कुछ है क्या, कुछ समझाने जैसा तो मुझे कुछ लग भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, 1000 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट क्या है 100 मीटर। यहाँ पे चाहो तो यूनिट के साथ भी लिख सकते हो तुम लोग, तो चलो मैं यूनिट के साथ भी लिख रहा हूँ, है ना, 1000 किलोग्राम और नीचे आया मीटर क्यूब, है ना, ये हो गया डेंसिटी की यूनिट। 10 क्या था, ग्रेविटी, तो 10 मीटर नीचे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट है 100 मीटर। ऐसे दिखाए तो और भी अच्छा लगता है, एक एम से इधर एक 2 एम ऊपर है, नीचे 3 एम है, तो ये 2 एम हटा दो, नीचे बचा 1 एम, नीचे कितना एम बचा, 1 एम बचा, तो कितना हो गया, 1 3 4 2 6 6 देखो ना यूनिट, देखो क्या क्या आ रही है, पर किलोग्राम आ रहा है मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, इसी क्या बोलते हैं, 1 × 10⁵ ठीक, तो किलोग्राम मीटर सेकंड। हाँ बोलो बेटा, समझ गए, तो काफी इजी ये न्यूमेरिकल था, और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है तुम्हें, एट व्हाट डेप्थ बिलो, एट व्हाट डेप्थ, समझ में आ गया तुम्हें, कहीं ना कहीं से हाइट पूछा जा रहा है, हाइट का क्वेश्चन मार्क बनाओ, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस वाटर विल प्रेशर बी इक्वल द ट्वाइस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कह रहा है कि कितने नीचे जाने पर, कोई वाटर कॉलम है या रिवर है जो भी है, कितने नीचे जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या हो जाए, डबल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो कुल मिला के प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो 10 न्यूटन दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ, पी नॉट 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ, तो जो भी लेंथ वाली यूनिट रहेगी हाइट सेंटीमीटर में आएगा, ये तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तुम्हें डेंसिटी भी दिया हुआ है 9.8 डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है, 1000 × 10³ किलोग्राम, देखो यहाँ पर समझो किलोग्राम मीटर क्यूब में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर में, तो यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे चेंज, और जो ग्रेविटी दिया वो भी एसआई यूनिट में है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये फंस रहा है ना, यहाँ पर ये फंस रहा है, क्या फंस रहा है कि 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना, तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे, ये देख लो प्रेशर फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना 10 न्यूटन, एरिया जो तुम्हें दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट 1 ले लो, नीचे एरिया 10 अपॉन 1 ही समझो फ्रैक्शन में, 1 सेंटीमीटर माइनस 2 है ना, यही तो हुआ 10 अपॉन 1, तो 10 ही तो आएगा, 10 अपॉन 1 10 ही आएगा, ये हो गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम्हें किसमें बदलना है, मीटर स्क्वायर में, भाई 1 × 10⁴, अब -4 जाके ऊपर आके +4 हो जाएगा, है ना, तो 10 × 10⁴ हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हें मीटर स्क्वायर बदल दो, तो वो 10⁴ होता है, मतलब -4 होगा, सेंटीमीटर -2 है ना, तो -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो 10 × 10⁴ मतलब 10⁵ है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 बेस पे से पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 4 = 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा प्रेशर आ गया, ठीक है ये आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें करना है क्या मालूम है, हमें ये करना है कि हमारा जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाए, जैसे रिवर के अंदर गया तो रिवर के अंदर जाओगे तो एक तो पी नॉट रहेगा प्लस एच रो जी रहेगा, अरे भाई इस कॉलम में तुम यहां पर आ गए, अब इस यहां पर आके तुम्हें क्या क्या प्रेशर फील हो रहा होगा, एक तो इस कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो यही बात हुई यहां पर भी कि अंदर जो प्रेशर है, अंदर जो रिवर में गए अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस उस हाइट उस कॉलम लिक्विड के कॉलम का प्रेशर, लेकिन ये जो प्रेशर है किसके बराबर है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये बोला जा रहा है ना, देखो एट व्हाट डेप्थ
बिलो द सर्फेस ऑफ वॉटर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर. मतलब मैं कितना अंदर जाऊं कि जो प्रेशर अंदर मिले, अंदर जो प्रेशर मिले वो एटमोस्फेरिक प्रेशर डबल हो जाए. ठीक है ना. ओके ठीक. तो आप जो जो इन्फॉर्मेशन दी लिख दो, 2 × एटमोस्फेरिक प्रेशर 10^5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में हमने बदल लिया था न्यूटन, यहाँ पे लिख दिया मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 10^5 अगेन एटमोस्फेरिक प्रेशर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस हाइट, वही तो हमें पता था, हाइट ही तो हमें पता था, हाइट व्हाट डेप्थ लेवल. ठीक है. और डेंसिटी तुम्हें दिए 1000 और 10^3, ग्रेविटी तुम्हें दिए 9.8. ओके क्या करो, यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा. देखो समझो कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 1x है, सेम टू सेम है ना, तो 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x बचेगा, यानी 1 × 10^5 न्यूटन पर मीटर बचेगा. समझ गए, समझ गए. देखो यहाँ पे 2 PO थे, यहाँ पर 1 PO था, तो 1 PO इधर आके माइनस होगा, 2 PO में से 1 PO क्या, तो 1 PO बचा है ना. अब इज इक्वल टू हाइट इंटू 10^3 इंटू 9.8, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे है ना. यहाँ पर ये देखो प्लस में था है ना, प्लस में था, तो ये वाला माइनस हो रहा था, लेकिन ये वाले क्या मल्टीप्लाई सीरीज में, ठीक है, मल्टीप्लाई सीरीज में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो कैलकुलेशन देखो 10^5 तो ऊपर था ही था न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर, और साथ में आ गया नीचे 10^3 और 9.8 भी नीचे आ गया. तो 10^3 क्या था तुम्हारा, किलोग्राम मीटर क्यूब था ना, किलोग्राम मीटर माइनस 3 वॉल्यूम, डेंसिटी यही होता है ना, वॉल्यूम माइनस 3 में होता है ना, नीचे होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो माने इनटू 9.8 मीटर सेकेंड का माइनस 2. अब क्या इसको मुझे सॉल्व करना बताना चाहिए, जरूरत होनी चाहिए क्या, जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्यों, 10^3 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10^5 माइनस 3 हो जाएगा, तो बेस बेस से पावर आपस में माइनस, यानी 10^2 ऊपर बचेगा फिर नीचे बचेगा 9.8 है ना, तो 100 upon 9.8 जीरो हटाओगे यहाँ, जीरो पर 900 upon 98, इसको डिवाइड कर लेना, और पता है हाइट किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए, हाइट इज इक्वल टू निकाल रहे हैं ना हम लोग. ठीक है ना. तो वीडियो के क्या दो बार आराम से देखना है तो डेफिनेटली ये ना चीजें आपको समझ में आएंगी ही आएंगी. ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पूरे क्वेश्चन समझ लो किस तरीके से मैंने डील किया है. तो कन्वर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट था है ना, कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर स्क्वायर में दिया था ठीक है, तो आपको उसमें बदलना था मीटर पर स्क्वायर में बदलना था. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें. तो अगला क्वेश्चन तो काफी इजी, इसको हम लोग तो ओरली कर लेंगे. ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्यूब ऑफ ईच साइड 5 cm इज प्लेस इनसाइड ए लिक्विड, ईच साइड 5 cm लिक्विड के अंदर डाल दिया हमने, द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 10 pascal. ठीक है, सेंटर मतलब एक क्यूब जैसे मैंने डाला हुआ है, तो यहां पर कहीं पर जो प्रेशर है ना, ये ऊपरी पार्ट में प्रेशर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 10 pascal. चलो अच्छा ठीक है, ठीक है. कैलकुलेट द थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस फेस. अरे भाई थ्रस्ट निकालना है, फोर्स निकालना है तुम्हें, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर तुम्हें 10 दिया हुआ है, फोर्स तुम्हें निकालना है, एरिया एरिया क्योंकि क्यूब है तो यहां पर 10 cm, यहां पर भी 10, यहां भी 10, सॉरी यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, 5 क्या दिया सेंटीमीटर दिया ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसे कितने कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर में. ठीक है, तो 5 माइनस 2 इंटू, लेकिन एरिया मतलब 5 × 5 करना पड़ेगा, 5 × 5 × 10^-2. सही कर रहे हैं क्या तुम, क्या करो मालूम, ऐसे करो देखो पहले एरिया को बदल लो सेंटीमीटर में, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 cm हो जाएगा, तो 25 cm का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 25 cm² को तुम्हें किसमें बदलना है
मीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा, माइनस 4 होगा, माइनस 4, ठीक है ना, माइनस 4 होगा, क्योंकि 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इसका, माइनस 2 इसका, तो माइनस 4, ठीक है ना। तो फिर फोर्स इज इक्वल टू 10, ये सब जो यहाँ पर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 इंटू 25 इंटू 10 के पावर माइनस 4, ये प्लस 4 ना कर देना, ये तो पूरा 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 पैकेट उठा के जा रहा है, जब ये आईसीएम न्यूमरेटर में आता है ये, तब जाके प्लस 4 होगी पावर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे मतलब नहीं, इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर का ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया था, प्रेशर के तीन फॉर्मूले समझे, मतलब तीन फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर को डील किया था, ठीक है ना। क्या थे, क्या फॉर्मूले थे बताओ? एक तो फॉर्मूला था हमारा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि अगर कोई सॉलिड बॉडी है उस पर ग्रेविटी खींच रही है, तो कहीं ना कहीं एम इंटू जी हो रहा है, मास इंटू ग्रेविटी, और एक पर यूनिट एरिया, यानी उस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी यानी उसके मास की वजह से। एक तो ये डील किया था, दूसरा हमने डील किया था प्रेशर का एक और फॉर्मूला डील किया था एच रो जी, जिसमें एच हाइट, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी। ये है ना फ्लूड के लिए था कि अगर कोई कंटेनर में या रिवर या जो भी है एक कॉलम है फ्लूड का, चाहे वो एयर का कॉलम हो, गैस का कॉलम हो, चाहे वो लिक्विड का कॉलम हो, तो अपनी हाइट, अपनी डेंसिटी और अपनी ग्रेविटी की वजह से एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हमने देखा था, इसके बाद एक और प्रेशर का फॉर्मूला देखा था हाइड्रोलिक मशीन से, जो कि हमारा था F1 अपॉन A1 F2 अपॉन A2, ठीक है ना। प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, दोनों साइड प्रेशर सेम, बट कहीं पर एरिया बदल रहा है तो फोर्स बदल रहा है ना, तो जिसके न्यूमेरिकल अभी लोड करने हैं, ठीक है ना। ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर को हमने पहले वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कर दिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाई गैस, बहुत सारे गैस से सराउंडेड है, ठीक है ना। अब उन गैस का एक प्रेशर होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर अप टू हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर, यानी कि अर्थ के अगर ऊपर जाएंगे अराउंड 300 किलोमीटर तक में, सरफेस से 300 किलोमीटर सरफेस, वहां तक का एटमोसफेयर है हमारा, एटमोसफेयर मतलब गैसेस का कॉम्बिनेशन है, द वेट ऑफ एयर कॉलम, तो वो जो एयर कॉलम का वेट है वो अर्थ के सरफेस में एक थ्रस्ट क्रिएट करेगा, थ्रस्ट मतलब फोर्स क्रिएट करेगा, द थ्रस्ट एग्जर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अर्थ जैसे कि ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक गैस या एयर का कॉलम है, ठीक है ना। तो एयर का कॉलम अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम पकड़ लें सरफेस के, तो एयर का कॉलम ये जो भी हाइट है, हाइट क्या है भाई, 300 किलोमीटर है लगभग, ठीक है ना, तो इसको मीटर में तुम ले लेना, तो इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया यानी पर यूनिट एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो प्रेशर, एक अर्थ का एक एरिया कितना एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर पर एटमॉस्फेयर या गैस की वजह से, एयर कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा है अर्थ के सरफेस में, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द थ्रस्ट एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द, सो द वेट ऑफ एयर कॉलम ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे ऑन अर्थ सरफेस इज नियरली 1 kg, ठीक है ना। तो बात समझो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्थ का हम एरिया कितना ले लें, एरिया ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सा एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एयर कॉलम का इस पर वेट कितना लग रहा है, यानी फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स मतलब वेट कितना लग रहा है, 1 kgf का लग रहा है, यानी 1 newton का लग रहा है, इतने एरिया में, इतने से एरिया में 1 newton का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, थोड़ी यूनिट कन्वर्ट करेंगे हम लोग, फोर्स कितना है 1 kg, यानी 1 newton है, और एरिया 1 cm² है, एरिया मीटर स्क्वायर में भी नहीं, 1 cm² में एरिया है,
तो हम लोग क्या करेंगे यार, न्यूटन तो तुम्हारा ठीक है एसआई यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, जो कि कितना होता है 10^-4 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो इसको तुम बदल दो ना, 1 kgf है ना, 1 न्यूटन नहीं, 1 क्या है, kgf, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर, किलोग्राम की ग्रेविटी न्यूटन में बदले 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, तो 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है ना। 1 kgf मतलब 10 न्यूटन हुआ, समझिए ना, 1 किलोग्राम इंटू 10 ग्रेविटी, बाई डिफॉल्ट 10 ग्रेविटी ले लिया, ठीक है ना, तब जाके मास इंटू ग्रेविटी, तब जाके न्यूटन में कन्वर्ट होगा, तो 10 न्यूटन कहेंगे, क्या कहेंगे, 10 न्यूटन कहेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 10^-4 ऊपर आके 10^5 प्लस का 4 हो जाएगा, एंड दिस 10 एंड दिस 4 हो जाएगा 10^5 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्क्वायर मीटर का आ गया, कितना आ गया पर स्क्वायर मीटर का, मतलब एयर कॉलम है 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया आप कह सकते हो एक टेबल हो गई पढ़ने वाली, लगभग उतना सा एरिया कह सकते हो, 1 मीटर 1 मीटर है इसे, कितना अगर ये 1 मीटर है, डायग्राम में बता रहा हूँ 1 मीटर, तो ये आपकी टेबल हो गई स्टडी टेबल, तो अगर ये स्क्वायर में है स्टडी टेबल, तो लगभग 1 मीटर की होती है स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल कह सकते हो जिसमें कंप्यूटर रखते हैं, तो उतना बड़ा लगभग एरिया, जस्ट मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, उतने बड़े एरिया में, इतने बड़े एरिया में 10^5 न्यूटन फोर्स लग रहा है एयर का, ठीक है ना। अच्छा ह्यूमन बॉडी पर कितना लग रहा होगा, ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी का यानी एरिया मालूम हो तो पता चल गया कि कितना लग रहा है भाई, ये तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए है ना, 10^5, 10^5 किसके लिए, 1 स्क्वायर के लिए, 1 स्क्वायर मीटर के लिए, मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर में 10^5 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो ह्यूमन बॉडी कितने स्क्वायर मीटर है, अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बॉडी को हम लोग मानते हैं 2 स्क्वायर मीटर, अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं, 2 स्क्वायर मीटर का वॉल्यूम मतलब एरिया मानते हैं, अगर यू नो दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दें बॉडी को, तो 2 स्क्वायर मीटर मानते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना, तो 2 स्क्वायर मीटर में कितना होगा प्रेशर, 2 × 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर मीटर में इतना प्रेशर है, तो 2 में कितना होगा, 2 × 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जो कि इतना प्रेशर हमारा ब्लड को संभालने के लिए चाहिए, ब्लड को संभालने के लिए चाहिए इतना प्रेशर, ब्लड को संभालने के मतलब ब्लड बाहर ना है, इसीलिए जब हम लोग माउंटेन में जाते हैं ऊपर, तो क्या होता है बोलो, ऊपर जाने से ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, क्यों, क्यों, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, एच रोजी, तो हाइट बढ़ने से क्या होगा, अरे हाइट बढ़ने प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, ये तो डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, हाइट बढ़ने से प्रेशर, तो क्या ऊपर हम लोग जाते हैं माउंटेन में, जब माउंटेन में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता ही घटता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बढ़ता ही घटता है, डिक्रीज होता है, क्यों, हम तो बोल रहे सर हाइट बढ़ने से तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, हाँ वही हाइट बढ़ने से प्रेशर बढ़ना चाहिए, लिक्विड मतलब फ्लूड, गैस भी आ गई इसमें, ये फॉर्मूला गैस के लिए भी है, तो वो क्या रहा है कि हाइट बढ़ नहीं रही, हाइट है ना कम ही हो रही है, हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, कैसे सर कम हो रही है, माउंटेन में जाने पे हाइट कम, क्या क्या लॉजिक है, देखो अच्छा कैसे कम हो रही है, ये आपका एयर कॉलम है, ये क्या है, एयर कॉलम है, ठीक है ना, एयर कॉलम, हम यहां पर हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर देखो एयर कॉलम कितना है, इतना हाइट का है, इतना हाइट का एयर कॉलम है, हमारे सर के ऊपर इतना बड़ा एयर कॉलम है, तो प्रेशर ज्यादा, हाइट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, अब क्या हो रहा है,
अब हम लोग चले गए माउंटेन में, माउंटेन बना, अब हम लोग यहां पर आ गए, यहां पर आ गए। अब हमारे सर के ऊपर, बॉडी के ऊपर कितना कॉलम बचा? इतना सा कॉलम बचा, छोटा सा एयर कॉलम बचा। अब बताओ ना, इतना सा कॉलम बचा। पहले कितना लोड था? इतना लोड था। अब कितना लोड हो गया? इतना। एक्चुअली में हाइट, मतलब एयर कॉलम की जो हाइट है ना, डेप्थ है ना, वो कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई, कम हुई। तो ये कॉलम कम होने से हमारे सर के ऊपर जो प्रेशर है ना, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? हाइट कम हुई है, एयर कॉलम की हाइट कम हुई है रोजी, तो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ब्लड है ना, ब्लड जो कि हम एटमॉस्फेयर ने हमें ना दबा के रखा था ब्लड को कि बाहर मत आओ, इतना बड़ा प्रेशर था, ब्लड को क्या बोला, बाहर ना, बिल्कुल है ना, जैसे कि कोई टंकी लीक हो गई पानी होल, तो हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं अंगूठे से कि हाँ लीकेज ना, एक प्रेशर देते हैं। ठीक इसी तरह एटमॉस्फेयर ने चारों तरफ से हमें जकड़ के रखा था यहाँ पर कि ब्लड बाहर नहीं आने दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाहर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, तो ब्लड हमारा बाहर आने लगता है, ब्लीडिंग इसलिए स्टार्ट हो जाती है। ये रीजन है माउंटेन में जाने पर ब्लीडिंग स्टार्ट होने का। तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है काफी अलग अलग, जैसे कि एक कोई एक टीन का डब्बा है, उसके अंदर गैस, एक प्रेशर मेंटेन हो रहा है टीन के डब्बे में, और हमने क्या किया, मतलब अंदर का प्रेशर जो स्टीम का था वो भी चारों तरफ है और बाहर का एयर प्रेशर भी चारों तरफ है, तो टीन का डब्बा ठीक था। लेकिन हमने क्या किया, जब जैसे ही एक स्टीम प्रेशर बाहर निकाल लिया, हटा लिया प्रेशर, तो बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और टीन क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती है। अक्सर पानी की प्लास्टिक बॉटल में यही होता है कि बॉटल में दब जाती है, ठीक है ना, जैसे एयर बाहर निकाल लो, बाहर का प्रेशर से क्या होता है, प्लास्टिक की बॉटल कम हो जाती है। तो हमेशा कि प्रेशर जो जहां ज्यादा प्रेशर होगा वो कम प्रेशर की तरफ जाएगा, फोर्स ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग है ना प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म में होते हैं, तो प्लेटफॉर्म में बोलते हैं ना दूर रहो, थोड़ा सा गाड़ी निकलने वाली, फास्ट कोई गाड़ी तेज कोई ट्रेन निकलने वाली होती है, तो हम लोग को थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है। तो उसका रीजन यही होता है कि जैसे ट्रेन निकलती है तो वहां पर जो लिक्विड जो फ्लूड होता है एयर, वो मोशन में आ जाती है, हवा उड़ने लगती है, कह सकते हैं मोशन में आ सकती है, स्पीड आ जाती है। तो लिक्विड जब फ्लूड या लिक्विड मोशन में आता है ना, तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, तो ट्रेन जहां से आएगी वहां के प्लेटफॉर्म के एरिया पर प्रेशर कम हो जाता है। और हम लोग थोड़ा अगर खड़े हुए बिल्कुल पीछे, थोड़ा सा पीछे खड़े हुए प्लेटफॉर्म के पास, तो बाहर जो हमारे पीछे पीठ के पीछे जो बैक के पीछे प्रेशर है वहां का ज्यादा होता है। तो अक्सर है ना हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रेन ने खींच लिया है, ऐसा बोलते हैं अक्सर, कचरा अचरा पास में प्लेटफॉर्म के पास में पड़ा रहता है ना, वो ट्रेन के पास में उड़ने लगता है, तो कचरा वचरा होता है वो बाहर जो प्लेटफॉर्म का प्रेशर होता है और जहां से ट्रेन निकल रही है वहां का प्रेशर कम हो जाता है। तो होता क्या है कि प्रेशर जहां ज्यादा होगा वो कम की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर कम की तरफ जाएगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि गाँव में भी आंधी आई या तूफान आया तो टीन उड़ गई घर की, पतरे घर के उड़ गए, तो घर के पतरे उड़ गए मतलब वो वैसा नहीं होता है कि एयर है ना अंदर घर में अंदर जाके ऐसे हवा से उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई घर है ठीक है ना, तो ऐसे टीन लगी हुई है, तो ये नहीं होता है कि एयर जैसे कोई आंधी मंदी आई तो ऐसा, जैसे हम लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि एयर अंदर गई, अंदर फोर्स मार के टीन को उड़ा लेगी, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। पूरा आप बंद भी कर लोगे तो भी टीन उड़ जाती है, क्यों, बाहर की एयर है ना बहुत तेज चल रही होती है, विंड आपने पूरा बंद करके रखा हुआ है, और विंड बहुत तेज चल रही थी, यहाँ पर विंड बहुत तेज चल रही, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अंदर है ना नॉर्मल है घर में, आप आराम से बैठे हुए खिड़की विड़की पूरा पक्का बंद करके, यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, तो ये घर के रूम का जो प्रेशर है ना फेंक देगा, ये है ना फेंक देगा टीन को बाहर, प्रेशर यहाँ ज्यादा है, तो जहां पर एयर या गैस मोशन में है वहां प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अक्सर जब डाइवर्स होते हैं सी में जाते हैं अंदर बॉटम में या थोड़ी गहराई में जाते हैं, वहां प्रेशर बढ़ जाते हैं, क्यों प्रेशर बढ़ जाते हैं, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है और हम अंदर चले गए सी के, तो वो लिक्विड आ गया है, लिक्विड पानी आ गया, पानी का प्रेशर अलग डेप्थ का, ठीक है, तो एयर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ही था प्लस वो भी प्रेशर है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ब्लड होना उसे सर्कुलेट करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए उनको एक स्पेशल सूट पहनाए जाते हैं जिससे कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बना रहे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आगे आप लोग क्लास 11 में काफी अच्छे से पढ़ोगे, काफी सारे तो ये कम होता है, इंक्रीज नहीं होगा, कम होगा। देखो अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ,
इसी के ना पेपर दिया, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पर लिक्विड या गैस मोशन में वहाँ प्रेशर कम होता है। आप चाहो तो कैमरा इधर घुमा सकते हो मोबाइल का, चाहो तो मैं दिख रहा हूँ, अच्छे दिख रहे हैं खराब दिख रहे हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से मोशन में, अगर फ्लूइड मोशन में है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर है ना ऊपर की तरफ ये रख के मैं अभी फूंक मारूंगा। देखो ये है ना थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फूंक ऐसे नहीं मार रहा, ये बात अलग है कि एयर आएगी और ऐसे ऊपर उड़ेगी। मैं फूंक देखो इधर की तरफ मार, इधर इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखना है ये ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों, जबकि तो फूंक तो मेरी इधर है, एयर तो इधर है, इससे क्या मतलब, ये तो और नीचे दबना चाहिए। सर ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया तो वहां पर उसको फोर्स देगा। तो ये क्या हुआ कि यहां पर जब मैंने फ्लूइड को मोशन दिया, एक वेलोसिटी दी, यू नो एक फ्लो दिया, तो यहां पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और यहां पर प्रेशर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर था, इधर साइड का पीछे साइड का प्रेशर था, तो प्रेशर जहां ज्यादा होगा वो फेंकेगा ऊपर की तरफ। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो ये चीज थी कि हम समझ सकते हैं कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है फ्लूड की वहां पर प्रेशर कम होता है। क्यों कैसे ये आप क्लास 11 में और 12th 11 में ही पढ़ोगे आप, ठीक है। फिलहाल तो आपको इतना समझ में आए, एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखा दिया। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट है, यानी कि रीजनिंग है, नॉट एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग आती है। जैसे सकिंग अ ड्रिंक विद ए स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से किस तरीके से हम लोग है ना पानी या लिक्विड ऊपर खींचते हैं, तो उसका रीजन भी यही होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का कम, और हम लोग है ना यहाँ पे एक मोशन देते हैं गैस लिक्विड इसको एयर को, बीच में एयर भरी हुई ना, यहाँ का प्रेशर कम होता है और फिर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हाँ प्रेशर लगा के पानी को ऊपर पहुंचाते हैं। यही चीज़ हम लोग सिरिंज में भी करते हैं कि किस तरह पानी को ऊपर खींचते हैं, उसका भी रीज़न यही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम होता है और इसके अंदर का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है और सिरिंज के अंदर का प्रेशर कम होता है, तो जिस तरह ऊपर फेंकेगा पानी को, ठीक है। फिलिंग इन इनटू फाउंटेन पे, फाउंटेन पे में भी इस तरह दबा दबा के नहीं, नोजल आई ड्रॉप या एयर ड्रॉप में नोजल होता है ना, एक ड्रॉपर होता है, ऐसे बंद करके प्रेशर बिल्कुल उसको हटा देते हैं, हवा हटा देते हैं, जैसे फिर लिक्विड में डालोगे फिर उसको ओपन करोगे हाथ को हटाओगे अपने आप उसमें भरी आएगी वो लिक्विड, उसका भी जो यही रीजन होता है। तो ये रीजनिंग है, या आप एग्जाम में आते हैं आप दे सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हो। बैरोमीटर में भी यही है कि किस तरीके से, देखो ये जो मर्क्यूरी है वो इस तरह ऊपर देखो जाती है, अगर आप इसको रखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो देखो मर्क्यूरी ऊपर जा रही है और एक यहाँ पे देखो एक कर्व जैसा आ रहा है। तो कर्व जो आ रहा है, कर्व का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये बैरोमीटर का आप है ना इसमें यूट्यूब से 3D इसका एक वो देखना तो आपको इसमें ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपको समझना, हम समझाएं या किसी एक पर्टिकुलर दूसरे को रिसोर्स से समझ में है, जो बेटर होगा वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो बैरोमीटर का ये किस तरह काम कर रहा है इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो उससे आप देख लेना, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3D एक एनिमेशन या एक रियल एक्सपेरिमेंट की जरूरत है इसको समझने के लिए, ठीक है।